I was actually involved in the space before even the invention of Bitcoin. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हो गया दोस्तों, पाई नेटवर्क इवेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसको ये हैकथॉन कहते हैं। तो हैकथॉन इवेंट इन्होंने यहाँ पर किया था, और करने के बाद इन्होंने कुछ यहाँ पर विजेता निकाले थे। अब उन विजेताओं को इन्होंने जो इनाम है और जो उनका रिवार्ड है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इन्होंने एक वीडियो भी क्रिएट की है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर आपकी होम स्क्रीन पे बताया गया है कि आप यहाँ पर इस पोस्ट को और इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे जो पाई हैकथॉन कम्युनिटी है जो कि विजेता रही है, उनको जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन रिवार्ड है वो किया गया है, एंड उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है। अब दोस्तों, पाई कोर टीम का आखिर यहाँ पर क्या न्यू डेवलप है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने अपने ऐप को अपग्रेड नहीं किया है तो सबसे पहले आप ऐप को अपग्रेड करेंगे। आपको जब अपग्रेड करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक पॉपअप दे रखा है, और जो भी यहाँ पर ये फायर डाइस फोरम में पोस्ट होती है उसका एक आइकन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता रहेगा। आप यहाँ पर देखेंगे जो पाई नेटवर्क के टॉप टॉप यहाँ पर लीडर है उन्हीं के यहाँ पर आपको पोस्ट दिखाए जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो फायर डाइस फोरम कॉइन है उसको अर्निंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर भी एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी के बदले में आपको यहाँ पर फिर कॉइन मिलेंगे जो फायर डाइस फोरम के कॉइन है। अब दोस्तों, इनकी और यहाँ पर KYC कोडिंग क्या अपडेट है, तो दोस्तों आप यहाँ पर आएंगे, इनका जो ऑफिशियली अकाउंट है आप यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जो KYC है, KYC हमने यहाँ पर जो पूरे कर लिए, 9.61 मिलियन इन्होंने KYC को एंड यहाँ पर कर दिया है। हम दोस्तों पानियर की ये बता रहे हैं कि 1,40,000 KYC हमने 6 महीने के अंदर जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं। अब पिछली बार जब आपको अपडेट प्रोवाइड किया था पाई डे के अवसर पर, तो इनकी जो KYC थी वो 9.45 मिलियन KYC इन्होंने यहाँ पर पाई डे पर कंप्लीट कर ली थी। अब पाई डे के यहाँ पर जब से पाई डे हुआ उसके बाद इन्होंने 1,40,000 KYC यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब दोस्तों, जिनकी KYC यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है, जिनकी KYC यहाँ पर नहीं हो रही है, तो वो क्या प्रोसेस करेंगे, KYC ऑप्शन पे जाएंगे, और KYC ऑप्शन पे जाने के बाद वो अपने KYC को करेंगे चेकआउट। ठीक है, तो कई बार यहाँ पर चेकआउट करने के बाद आपको KYC मिल भी सकती है। अब दोस्तों, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम यहाँ पर बहुत जल्दी 10 मिलियन KYC एंड कर देंगे यहाँ पर पाइनर की, और हमारी 10 मिलियन KYC यहाँ पर एंड हो जाएगी, और हम एक लक्ष्य पे पहुँचने वाले हैं। अब दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे, जब आप यहाँ पर KYC फॉर्म पे जाएंगे जो कि आपके ऐप के अंदर है, तो आपको यहाँ पर KYC को चेक करना है। जब आप यहाँ पर KYC चेक करेंगे, अगर आपको KYC मिला है, तो दोस्तों आप यहाँ पर अपना KYC एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, यानी कि अपनी डिटेल देने के बाद आप यहाँ पर KYC को सबमिट कर देंगे, ये यहाँ पर कह रहे हैं। और ये यहाँ पर कह रहे हैं ओपन नेटवर्क KYC ग्रोथ यहाँ पर, यानी कि KYC के बाद ही यहाँ पर ओपन नेटवर्क आपका क्या आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा KYC आपका यहाँ पर होगा, उतना ही बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पर होने वाला है। एक और रिमाइंडर इन्होंने यहाँ पर आपके लिए छोड़ा है कि अगर आपकी रेफर टीम है तो उनको भी यहाँ पर आप रिमाइंडर करेंगे अपने रेफरल को, क्योंकि उन रेफरल का जो आपका KYC है वो भी आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कर में आता है, और ये भी यहाँ पर आपको करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपने रेफर कर रखा है अपनी टीम को, तो उनको आप रिमाइंडर करते रहेंगे बार बार, और इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी टीम का यहाँ पर KYC नहीं होगा तो आपका भी KYC यहाँ पर अटका रहेगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने एक पिक छोड़ा है, और इसमें यहाँ पर दिखाया गया है कि 10 मिलियन KYC के हम यहाँ पर बहुत ही नज़दीक है, और ये एक रेस बताई जा रही है। 10 मिलियन KYC यहाँ पर इतनी जल्दी करना बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों, और बहुत ही कठिन काम इन्होंने यहाँ पर बताया है। फिर भी ये है कि यहाँ पर रेस के घोड़े की तरह भागे चले जा रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्दी जल्दी एक पानियर का KYC कंप्लीट कर रहे हैं। अब दोस्तों, एक और अपडेट इन्होंने यहाँ पर शेयर कर रखा है, आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आएंगे, तो वही यहाँ पर पाई हैकथॉन इवेंट का, जो यहाँ पर हैकथॉन इवेंट में जो पानियर यहाँ पर, यानी कि जो पानियर यहाँ पर इवेंट में विजेता रहे उनको इन्होंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है। जो हैकथॉन इवेंट में यहाँ पर विजेता रहे, विजेता को इन्होंने यहाँ पर रिवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया है और पाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर अपडेट तो बहुत ही गजब की इन्होंने प्रोवाइड करी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पर ब्राउजर पर आप क्लिक करेंगे, जब आप
आप यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। पहला कि आपको यहाँ पर न्यू साइनअप करना है, अगर आपका ओल्ड अकाउंट है तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी साइनअप पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर ऑलरेडी साइनअप के ऊपर जब यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इंटरफेस दिए जाएंगे न्यू और कुछ यहाँ पर KYC फीचर दिए जाएंगे। तो आपको प्रोसेस करना है, KYC के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर KYC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो यहाँ पर लोडिंग रहेगा, और लोडिंग लेने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपका स्लॉट यहाँ पर अवेलेबल रहे होगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा KYC का। अगर आपको स्लॉट अवेलेबल नहीं होगा तो आपको इसी तरह का इंटरफेस यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे, अगर आपका KYC हो चुका है तो आप यहाँ पर चेकआउट ना करें दोस्तों, आपका KYC यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल रही थी, आपको कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है।